क्या भारत में आएगी संचार क्रांति? क्या भारत की बदल जाएगी पूरी तस्वीर? क्या हर गांव, हर शहर होगा हाईटेक? क्या सेकेंड्स में होगा घंटों का काम? क्या भारत की क्रांति दुनिया में मचाएगी धमाल? दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपको इंटरनेट के स्पीड के लिए इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। आप कहीं भी हो, चाहे जंगल हो या खलिहान, शहर हो या गांव, हर जगह हर वक्त आपको इंटरनेट की सेवा मिलेगी, और वो भी फुल टूक और झकास। जी हाँ, भारत में कुछ ऐसी ही संचार क्रांति होने वाली है जिसके बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी। शिक्षा से लेकर व्यापार तक सब कुछ बदल जाएगा। सही सुन रहे हैं, कुछ ऐसा ही करने जा रही है मोदी सरकार, जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी बांछे खिल जाएगी और खुशी के कारण उछल जाएंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो हमें रोमांचित कर देगा, हमारी सोच बदल देगा, हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा? ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, भारत के संचार क्रांति की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, तभी आपको भारत में होने वाली संचार क्रांति समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में होने वाली संचार क्रांति के बारे में जानने से पहले संचार क्रांति का इतिहास जान लेते हैं। क्या है इंटरनेट? दोस्तों, इंटरनेट के बारे में आज कौन नहीं जानता। हमारी दुनिया आज इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इस समय इस टेक्नोलॉजी का दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके बिना हम आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट आज दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और लोगों की जरूरत भी बनता जा रहा है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एक जाल बनता है, उसी जाल को इंटरनेट कहा जाता है। हम अपने कंप्यूटर्स में सूचनाओं या दस्तावेजों का आदान प्रदान इंटरनेट के कारण ही कर पाते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का एक साधन है जिसका उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सरल बनाना है। इसके जरिए किसी भी तरह की सूचना जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियो, गाने या और भी कई तरह की सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि बिना इंटरनेट के सोच पाना भी मुश्किल है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट की पहुंच आजकल हर जगह है, हम इसका इस्तेमाल लगभग रोज करते हैं। इसी के नतीजा है कि इसका इस्तेमाल निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में मैं और आप बिना इंटरनेट के रह भी नहीं सकते हैं। इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो के आने के बाद तो भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 60 के दशक यानी 1962 से 1969 के बीच में हुई थी। इसको सबसे पहले US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। दुनिया के सबसे पहले इंटरनेट का नाम आर्पनेट था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक संदेश भेजने के लिए किया गया था। इसके बाद ये लगभग सन 1972 तक दुनिया के काफी देशों तक पहुंच गया। इसके बाद इसका आर्पानेट नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया गया। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल काफी कम किया जाता था क्योंकि इसकी स्पीड काफी धीमी हुआ करती थी और काफी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। इसके अलावा तब इंटरनेट पर सूचना केवल टेक्स्ट के रूप में मौजूद थी। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पहले नेटस्केप नेविगेटर नाम के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में इंटरनेट की बात करें तो यहाँ इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त सन 1995 में की गई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत VSNL ने की थी। इसे अब टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो आज भी भारत में इंटरनेट की रीढ़ को संभाले हुए है। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपने टेलीफोन लाइन ब्रॉडबैंड के जरिए दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ा था। शुरुआती दौर में केवल 20 से 30 कंप्यूटर ही इंटरनेट से जुड़े थे। इसका इस्तेमाल केवल सूचनाओं के आदान प्रदान में ही होता था। बड़े बड़े कॉलेज और संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे भारत में इसका चलन बढ़ा। आज लगभग 90% स्मार्टफोन धारक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ता भी है, लिहाजा यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। भारत में इंटरनेट की स्थिति बेहतर करने और गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाले समय में देश के सभी 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति भी लाएगी। भारत सरकार अब इसे ही अमली जामा पहनाने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी साल अप्रैल में इस पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, आपको भारत में होने वाली संचार क्रांति के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि इंटरनेट ने किस तरह हमारी दुनिया बदल दी है। दोस्तों, इंटरनेट ने आज हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसके जरिए हम न केवल सूचना का आदान प्रदान करते हैं बल्कि शिक्षा से लेकर व्यापार तक करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर हम शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी तो पा सकते हैं,
लेकिन आजकल ई लर्निंग भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हम इंटरनेट के जरिए घर बैठे ही काफी कुछ सीख सकते हैं। खासकर कोरोना काल में शिक्षा जगत में इंटरनेट ने जो किया वो एक मिसाल बन गया है। पूरे देश में कोरोना काल में इंटरनेट के जरिए ही ऑनलाइन क्लास चलाई गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई, बच्चों की क्लास ही नहीं परीक्षाएं भी इसके माध्यम से ली गई, जिससे उनका भविष्य अंधकार में होने से बच गया। अगर व्यापार जगत की बात करें तो आजकल इंटरनेट के जरिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम अपनी ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन ही करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के कई फायदे हैं। इससे हम किसी भी तरह की जानकारी केवल एक सर्च करके निकाल सकते हैं, घर बैठे कोई सामान खरीद सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपना बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से निकासी कर सकते हैं, किसी से पैसा मंगा या भेज सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सब संभव नहीं होता। दोस्तों, जहां इसके इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कई बार इंटरनेट के जरिए ही आपका कोई डेटा लीक हो जाता है, जिससे फ्रॉड होने की संभावना रहती है, लिहाजा इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, अब बात भारत में आने वाले उस संचार क्रांति के जिससे हमारी दुनिया बदलने वाली है। दोस्तों, भारत सरकार इस साल अप्रैल तक बहुप्रतीक्षित भारतीय स्पेस कॉम नीति 2020 को मंजूरी दे सकती है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने बताया कि भारतीय स्पेस कॉम नीति का मसौदा जल्द ही अंतरिक्ष आयोग को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारत के स्पेस कॉम नीति 2020 का उद्देश्य भारत में सुरक्षित संचार सेवा प्रदान करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इसके लिए अपना खुद का स्टारलिंक बनाएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टारलिंक क्या है जो हमारे जीवन को बदल देगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, स्टारलिंक एक ऑर्बिटल सैटेलाइट्स के नेटवर्क हैं। स्टारलिंक की शुरुआत एलन मस्क ने सन 2015 में की थी। इससे न केवल पूरी दुनिया में इंटरनेट की सेवा प्रदान की जा सकती है, बल्कि इसके साथ मिलिट्री, साइंटिफिक और एक्सप्लोरेटरी कार्यों को भी आसानी से किया जा सकता है। भारत भी अब इस दिशा में कार्य कर रहा है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 50 से 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की स्पीड प्रदान करता है। हालांकि यह मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी कि खराब मौसम में इसकी स्पीड कम हो सकती है और साफ आसमान में ये बढ़ भी सकती है। दोस्तों, आखिर ये काम कैसे करता है ये भी आपको बता देता हूँ। भारत में एक बार इसकी शुरुआत हो जाती है तो कनेक्शन लगवाने के लिए कंपनी लोगों को इक्विपमेंट्स खुद देगी। डीटीएच की तरह ही आपकी छत पर एंटीना लगेगा और घर में राउटर लगेगा। इसके लिए आपकी छत से आसमान क्लियर दिखेगा। दोस्तों, स्टारलिंक तकनीक दुनिया के कुछ ही देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और न्यूजीलैंड समेत कई देश हैं। आने वाले समय में इसकी सेवा और भी कई देश ले सकते हैं। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि दुनिया में स्टारलिंक इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है, और अगर भारत इस क्षेत्र में सफल हो जाता है तो यहां क्रांति आ जाएगी। भारत न केवल खुद इस इंटरनेट सेवा का लाभ लेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी अपनी सेवा देगा, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। यही नहीं, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा से भारत के पिछड़े हुए गांवों की भी तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल, भारत में आज जहां कई जगहों पर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, या यूं कहें है ही नहीं, वहां घंटों के काम सेकेंड्स में होने लगेंगे। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों को आपस में आसानी से जोड़ा जा सकेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा, जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकेगा। दोस्तों, ये सब पीएम मोदी की ही कोशिश है कि भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर है, चाहे रक्षा क्षेत्र या संचार। हर फील्ड में भारत अपनी उपस्थिति दुनिया में दर्ज करा रहा है और अपना डंका बजा रहा है। इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।